हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज फ्रेंड्स हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें बच्चे अक्सर ही गलती कर जाते हैं। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स की, ए, एन और द की। देखिए, आर्टिकल्स होते हैं तीन, तीन आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है, जबकि द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे अ की। देखिए, जो अ है या ए है वो कहाँ लगता है? जब कोई सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, सिंगल नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल, कोई भी चीज जब सिंगल होती है और पर्टिकुलर में हम उसके बारे में बात ना कर रहे हो, पर्टिकुलर या रिलेट या रेफर में, अब उसका मतलब क्या है वो भी आपको समझाऊंगी। जब हम पर्टिकुलर में बात नहीं करते हैं किसी भी एक चीज के बारे में, तो हम उसके साथ अ लगाते हैं, जैसे कि अ बैग, अ पेन, अ सिटी। ठीक है, लेकिन जहां पर मैं रेफरेंस दे देती हूँ या रिलेट कर देती हूँ या पर्टिकुलर कर देती हूँ, वहां पर आपका द लगता है सिंगुलर चीज के साथ भी। जैसे कि यहां पर देखिए, देयर इज अ बुक, यहां पर नॉर्मल एक सेंटेंस है। यहां पर हम किसी पर्टिकुलर बुक की बात नहीं कर रहे, हम किसी बुक को किसी की किसी और चीज के साथ रेफरेंस नहीं दे रहे हैं या रिलेट नहीं कर रहे हैं। दिस इज अ पेन, खाली पेन की बात हो रही है, किसी से उसका कोई रिलेशन रेफरेंस नहीं दिखाया गया। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस में देखें, दिस इज द पेन माय फादर गिफ्टेड मी। ठीक है, यह वह पेन है जो कि मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया था। तो यहां पर पेन को किससे रिलेट किया गया है? फादर से। ठीक है, इसलिए यहां पर पेन हालांकि सिंगुलर था, फिर भी उसके साथ द का प्रयोग हुआ है। अभी एक एग्जांपल और देखिए, द बॉय सिटिंग ऑन द बेंच इज क्राइंग, वह बॉय जो कि बेंच पर बैठा है रो रहा है ना। तो मतलब कि बॉय को किससे रिलेट कर दिया गया? बेंच से। ठीक है, अब हम बात करेंगे एन की। एन सबसे इम्पोर्टेंट आपका आर्टिकल है और इसी में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। हम लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि जो एन है वो वॉवल्स के साथ लगता है। बिल्कुल, एन वॉवल्स के साथ लगता है, लेकिन एन वॉवल्स के साथ की बजाय वॉवल साउंड के साथ लगता है। ठीक है, जहां पर भी वॉवल की साउंड आएगी वहां पर एन लगेगा। अब वॉवल साउंड को पहचानने के लिए आपको वॉवल साउंड भी पहले पता होनी चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने आपको हेल्प आउट करने की कोशिश की है। देखिए, ए की साउंड क्या है? ए, बड़ा ए, जिसे हम कहते हैं ना बड़े ऐसे ऐनक। ठीक है, ए एप्पल, एंट, ए का साउंड है। ई ए छोटा ए, एग, एलिफेंट। ठीक है, ए ए। अब आई जो है वो दो तरह की साउंड देता है दोस्तों, ई की भी और आई की भी। आई में देखिए, आइस, हम कहते हैं ना एन आइसक्रीम, आइस, ये आई से शुरू हो रहा है, और इग्लू ये ई से शुरू हो रहा है। ओ दोस्तों, ओ की साउंड कभी भी नहीं देता है, ओ हमेशा ओ की साउंड देता है, बड़े ओ से औरत वाला ओ की साउंड देता है। ओ फॉर ऑरेंज होता है, ऑरेंज नहीं होता है। ओ फॉर ऑक्स होता है, ओक्स नहीं होता है। ठीक है, अभी यू, यू की साउंड नहीं देता है, अ की साउंड देता है। यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अर्न। लेकिन हाँ, इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर यू यू की ही साउंड देता है। वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर वर्ड की प्रोनंसिएशन पर भी, और वहां पर यू का जो इस्तेमाल है वो कौन से कॉन्सोनेंट या कौन से अदर वॉवल के साथ हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां इन सब के साथ क्या लगेगा? एन लगेगा। अब यहां तो ये सब वॉवल से शुरू हो रहे थे तो सबके साथ एन लग गया, लेकिन कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे भी होते हैं जिनमें वॉवल साउंड तो होती है लेकिन वो वॉवल से नहीं स्टार्ट होते, फिर भी हम उनके आगे एन लगाते। जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन, यहां पर देखिए क्या है ये ऑनेस्ट, तो किसका साउंड आया? ओ का। यहां पर एच साइलेंट होने के कारण ओ का साउंड आया, जिसके कारण
एन का प्रयोग हुआ, एन एम एल ए। अभी देखिए एन एम एल ए, एम एल ए। अभी एम कैसे बना, ए और म से। तो सबसे पहला साउंड क्या आया, ए, एन एम एल ए, ए का साउंड आया जिसके कारण एन लगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए द कहाँ लगता है, द लगता है या तो फेमस चीजों के नाम के साथ, या किसी पर्टिकुलर चीज के साथ, या जब हम किसी चीज को किसी चीज से रेफर या रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं फेमस चीजों के नाम की बात करूं, जैसे कि द रामायणा, द गंगा, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो ये सभी फेमस चीजें हैं। रामायणा फेमस बुक है, गंगा फेमस रिवर है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक फेमस स्टैचू है। ठीक है, अभी बात करते हैं पर्टिकुलर की या रेफर की या रिलेट की। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक बुक पड़ी है। यहां पर बुक और टेबल को रिलेट किया गया है, टेबल पर एक बुक थी तो अ लगाया गया, लेकिन मैंने उस पर्टिकुलर टेबल को रेफर करके बोला कि उस टेबल पर बुक पड़ी है, तो वहां पर टेबल के साथ द का प्रयोग हुआ। I live in the small house with blue door. वह छोटा सा घर जिसका नीला दरवाजा है, मैं उसमें रहता हूँ। यहाँ पर मुझे किससे रिलेट किया गया, उस स्मॉल हाउस से जिसमें कि नीले कलर का दरवाजा है। आशा करती हूँ समझ आया होगा। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।